लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के युवा चेहरे कन्हैया कुमार पर बहुत लोगों की नजरें टिकी है। कन्हैया ने पिछला लोकसभा चुनाव अपने गृह क्षेत्र बेगूसराय से सीपीआई की टिकट पर लड़ा था, लेकिन अब वह सीपीआई में नहीं बल्कि कांग्रेस में है। बता दें कि महागठबंधन में बेगूसराय सीट सीपीआई के हिस्से में आई है और यहां से उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है। सीपीआई के यहां से अवधेश राय मैदान में उतरेंगे। इसके बाद ये चर्चा तेज है कि महाराजगंज सीट से कन्हैया कुमार लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि कांग्रेस ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। महाराजगंज में 35 से 40 लोगों की टीम एक सर्वे कर रही है कि कन्हैया कुमार के नाम पर यहां के लोगों की क्या राय है। कन्हैया कुमार के साथ रहने वाले सुशील कुमार और उनकी टीम इस सर्वे में लगी हुई है। सुशील कुमार बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। ये सर्वे कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से नहीं कराया जा रहा, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी। जानकारी है कि महाराजगंज में कन्हैया कुमार के नाम पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी राजपूत की है, इसके बाद भूमियार की आबादी है। एनडीए ने यहां से एक बार फिर से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार यहां से बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ आरजेडी के प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह मैदान में उतरे थे। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में सिवान की 2 और सारण की 4 विधानसभा सीट शामिल है। गोरियाकोटी, महाराजगंज, बनियापुर, मांझी, एकम्मा और तेरिया विधानसभा महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में है। 1957 में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र बना था। ये सीट उस समय काफी चर्चा में थी जब पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यहां से रिकॉर्ड मतों से लोकसभा चुनाव जीते थे। उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो राम बहादुर सिंह सांसद चुने गए थे। प्रभुनाथ सिंह यहां से लगातार 4 बार सांसद चुने जा चुके हैं। उमा शंकर सिंह भी सांसद बने। बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 2014 और 2019 में यहां से लोकसभा का चुनाव जीते। प्रभुनाथ सिंह पिछले कई वर्षों से जेल में हैं। अशोक सिंह मर्डर केस में उनको आजीवन कारावास की सजा है। 1995 में छपरा के राजेंद्र राय और दरोगा राय की मतदान केंद्र के नजदीक हत्या हुई थी। आरोप लगा था कि प्रभुनाथ सिंह ने दोनों को इसलिए मार डाला क्योंकि उन्हें प्रभुनाथ सिंह के कहे अनुसार वोट नहीं दिया। प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई। जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट से बेल भी रिजेक्ट की गई। लालू प्रसाद ने जिन बाहुबलियों को बिहार में राजनीति की संरक्षा दी, उनमें से एक बड़ा नाम प्रभुनाथ सिंह भी था। आजीवन कारावास के बाद जब प्रभुनाथ सिंह का रास्ता राजनीति में बंद हो गया, तब उनके बेटे रणधीर सिंह को आरजेडी ने टिकट दिया था। बता दें, चुनाव के बाद कन्हैया कुमार का सीपीआई के अंदर विवाद हो गया था। उन्होंने सीपीआई छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। कन्हैया अभी एनएसयू के राष्ट्र प्रभारी हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार महाराजगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।